भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है। संस्कृत में एक श्लोक है, यस पूजन्ते नारिस्तु तत्र रमन्ते देवताः, मतलब जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। लेकिन वर्तमान में जो हालात हैं, आए दिन बलात्कार जैसी घटना, दहेज प्रताड़ना, ये सब नारी के सम्मान और नारी सशक्तिकरण के नारा को मजाक सा बना दिया है। हमारे साथ भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर जी हैं। आज इन्हीं मुद्दों पर, खासकर नारी सशक्तिकरण और महिला के सम्मान के मुद्दों पर बात होगी। मैम, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास जी, आपने आज के दिन हम लोगों को मौका दिया कि हम महिलाओं के विषय पर अपनी कुछ बातों को रख सकें और अपने विचार महिलाओं के प्रति प्रकट कर सकें। इसके लिए मैं सिल्क टीवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैम, शुरुआत जो है सवालों से, और एक छोटा सा सवाल होगा कि क्या लोगों को अभी भी नारी के प्रति यानी महिलाओं के प्रति सोच बदलने की ज़रूरत है? देखिए, प्रारंभिक दौर से और पौराणिक काल से अगर मैं बात करूं महिलाओं की स्थिति के बारे में, तो बहुत बदलाव तो हुआ है, लेकिन आज भी समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं जो महिलाओं को अलग नज़र से देखते हैं, उन्हें पूज्या के बदले उन्हें भोग्या समझते हैं, तो उनके सोच में परिवर्तन की आवश्यकता है। और आज जब हम बराबरी की बात करते हों, जहाँ पे पुरुष और महिला समाज दोनों को समान रूप से साथ लेकर चलने की बात अगर हम लोग करते हैं, तो इस नज़रिया में बदलाव भी लाने की आवश्यकता है। मैं इस बात से नहीं सहमत हूँ कि सब लोग मतलब उस विचारधारा के हैं कि लोगों को, महिलाओं को वो दूसरी दृष्टि से देखते हैं। हमारे जो स्त्री है हमारे समाज में, उन्हें माता की दर्जा दी गई है, उन्हें नारी शक्ति का स्वरूप माना गया है, और नारी दुर्गा और काली के अवतार भी होती हैं। अगर वो बहुत सौम्य और बहुत सुशील और बहुत सुहृद अगर होती हैं, तो अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो दुर्गा का अवतार भी ले सकती हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि लोग महिलाओं के प्रति अपने नजरिया को बदलें। बढ़िया सा जवाब था मैम आपका। और एक और सवाल है कि आज से तकरीबन 10 साल या 15 साल जब हम पीछे जाते हैं, तो घर से लड़कियों का निकलना, महिलाओं का निकलना लोगों के लिए एक आश्चर्य हो जाता था, लेकिन आज थोड़ा परिवर्तन बदलाव आया है, लेकिन पूर्णतः आज़ादी जो महिलाओं को मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। देखिए, पहले के स्थिति अगर देखें महिलाओं की, तो पहले कहीं ना कहीं वो सती प्रथा से, बाल विवाह से, दहेज प्रथा से वो ग्रसित थी और उन्हें समाज में दबाया जाता था। लेकिन हाल के दिनों में अगर हम नज़र दौड़ाएं, तो हर जगह, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। बल्कि मैं तो देखती हूँ कि जितने सारे प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, वहाँ पर महिलाएं ही ज़्यादा अच्छे ढंग से अपने परचम को लहराती हैं और वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती हैं। तो ये बदलाव कैसे हुआ? ये खुद अपने मानसिकता में जब महिलाओं ने बदलाव लाया और उसके बाद पुरुषों ने जब उनका साथ दिया, तब जाकर यह बदलाव संभव हो पाया है और महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं। तो हमारा मानना यह है कि अगर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, और आपने जैसा कहा कि आज़ादी के संदर्भ में, तो आज़ादी अच्छी बात है, लेकिन आज़ादी का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी मर्यादा को लांघ दें। किसी के लिए भी, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, दोनों के लिए आज़ादी के मायने इस तरह से हो सकते हैं कि आप अपने विचारों से आज़ाद हों, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी हो। लेकिन अभिव्यक्ति और अपने मन की आज़ादी का मतलब ये कदापि नहीं होता है कि आप किसी के बारे में अपशब्द बोल दें या फिर अपने खराब विचार को प्रकट करें। मैम, आपकी निजी ज़िंदगी से एक सवाल मैं करूँगा, और सवाल मैं इसलिए करूँगा, वो मैं आपको पहले बता दूँ कि जो महिलाएँ आपको सफल समझती हैं उनके लिए, और ये मेरा सवाल ये है कि गाँव से निकल कर भागलपुर तक का सफ़र तय करते हुए और यहाँ से फिर राजनीतिक जीवन की शुरुआत, और कहीं ना कहीं जिस स्थान पे आज पहुंची हैं आप, 15-20 साल पहले गांव में थी, उसके बाद शहर आना हुआ, उसके बाद राजनीतिक करियर में आपने अपना लोहा मनवाया, तो ये चीज़ें जो है, ये पूरा जो है वाक्य हम जानना चाहेंगे कि कहां से शुरुआत हुई, कितने लोगों को, कैसे कैसे लोगों से मुलाकात हुई, जो आपको, जब एक बात होती है, जब लोग दौड़ के नहीं हरा पाते हैं तो टांग अड़ाते हैं, तो क्या ऐसे लोगों से भी मुलाकात हुई थी? देखिए, जहां तक बात है आगे बढ़ने की, तो आगे बढ़ने के लिए किसी को भी उसके लिए गांव या शहर ये कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपके अंदर अच्छे विचार हों, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हों, आपके अंदर लगन है, आपके अंदर अगर इच्छा शक्ति है और ईमानदारी है,
तो गांव हो या शहर, आप कहीं पर भी आगे बढ़ सकती हैं। और जहां तक मेरा सवाल है, तो सही आपने कहा, मैं 1997 में मेरे पिताजी डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह जी, वो TNB कॉलेज हाई स्कूल के टीचर हुए, फिर बाद में वो प्राचार्य होकर रिटायर्ड हुए। तो जब उनका तबादला जब गांव से इस स्कूल में हुआ, शहर में भागलपुर में हुआ, तब हम अपनी 3 बहनों और माँ के साथ हम भागलपुर आए, और वहाँ से स्कूली जीवन की शुरुआत हमने, प्रारंभिक शिक्षा तो गाँव से हमने अर्जित की, लेकिन हाई स्कूल की शिक्षा हमने यहाँ झुंझुनवाला गर्ल्स हाई स्कूल से मैंने किया, फिर इंटरमीडिएट TNB कॉलेज से, और ग्रेजुएशन मैंने सुंदरवती महिला महाविद्यालय से किया। इस दौरान हमको ये लगा, जब मैं गांव से यहाँ पर भी आई थी, तो वो मतलब ऐसा कभी नहीं लगा कि हम गांव से चलकर शहर में आए तो हम पीछे रह जाएंगे, बल्कि यहाँ पर हमने देखा कि मेरे अंदर अगर मैं पढ़ाई में अच्छी थी तो यहाँ पर लोगों ने सराहा, और मुझे शिक्षकों का प्रोत्साहन मिला, उनका मुझे स्नेह मिला, और उससे मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक विश्वास की बढ़ोतरी हुई, और मुझे लगा कि नहीं, अब यहाँ पर भी हम अच्छा कर सकते हैं। और जब 2003 में मेरी शादी हुई, मैं जिस परिवार में आई, डॉक्टर मृणाल शेखर जी मेरे पति हैं, भाजपा नेता हैं वो, मेरा पारिवारिक माहौल भी राजनीतिक रहा, और मेरा मायके परिवार वो पूरा एकेडमिक रहा। तो जब ससुराल आई, तो यहाँ पर आने के बाद सामाजिक कार्यों और राजनीतिक कार्यों में मैं जुड़ी, और 2003 से मैंने अपने छात्र राजनीति से मैंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत सुंदरवती महिला महाविद्यालय से किया, जब मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ी थी और मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव में निर्विरोध निर्वाचित हुई थी। तो जब इन मुकाम को हासिल करने के दौरान कई लोग आए जो निगेटिव मानसिकता के थे, उस समय तो कम, लेकिन जब धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ने लगे, जब हम फिर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा से मैं जुड़ी, उसके बाद फिर 2007 में मैं वार्ड 16 से पार्षद निर्वाचित हुई, और उसके बाद लगातार फिर 2012 में भी फिर लगातार उसी वार्ड से मैं पार्षद निर्वाचित हुई, और मैं उप महापौर भी बनी। तो उस समय मुझे मौका मिला कि मैं पूरे शहर के लिए कुछ काम कर सकूं। उस समय मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे अच्छे कार्यों को लोगों ने सराहा और उसे सम्मान दिया, उससे मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस था वो और ज़्यादा बढ़ा। मुझे लगा कि नहीं, अच्छा करने से लोग प्रोत्साहित करते हैं, और कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद मिलता है, जिससे कि आपको आगे और आगे कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है और ऊर्जा भी मिलती है। तो सकारात्मक सोच के साथ जब मैंने सामाजिक परिवेश में, राजनीतिक जीवन में मैं जब प्रवेश किया, तो मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें, मेरे पूरे परिवार के सभी सदस्यों का। उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, कभी मुझे टोका नहीं, और मेरे परिवार ने मुझे यह कहा कि आपको जो करना है वो आपको खुद से करना है, मेरे पीछे कोई बैसाखी नहीं लगेगी, आपके आपको कोई उंगली पकड़ के नहीं चलना सिखाएगा। तो इससे मैं स्वतंत्र हो गई, और मुझे खुद से डिसीजन लेने की कैपेसिटी, खुद से काम करने का तरीका मुझे खुद से तय करना था, मैं खुद से करके आगे बढ़ी। तो फिर इसको लोगों ने भी जज किया, और उन्हें लगा कि नहीं, ये अच्छा कर सकती है। मैं फिर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी लगातार कई वर्षों से हूँ, पार्टी में भी काम कर रही हूँ और सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी मैं बढ़ चढ़ कर काम कर रही हूँ। नगर निगम के भी हर मुद्दों को मैं उठाती हूँ। कभी कभी कई जगह लोग राजनीतिक बस ऐसा कहते हैं, मैं जब कुछ अच्छा करने का प्रयास करती हूँ, मैं जनता का मुद्दा जब मैं बनने का प्रयास करती हूँ, उनके मुद्दे को जब मैं उठाने का प्रयास करती हूँ, तो जिन्हें लगता है कि मेरे से उनको कुछ भय हो सकता है, तो वो फिर हमारे काम में टांग अड़ाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन किसी को अगर लगता हो कि अगर मैं राजनीति करती हूँ, तो मुझे लगता है कि ऐसी राजनीति तो हर किसी को करनी चाहिए। अगर जनता की आप आवाज़ बनते हो और जनता की समस्याओं को आप समाधान करने का अगर प्रयास करने के लिए आगे बढ़ते हो, और इसको अगर कोई राजनीति मानता है, इसको इसमें अगर कोई टांग अड़ाता है, तो अराएं, हमें कोई उसकी फिक्र नहीं, हम बस हमें आगे बढ़ना है और लोगों की समस्या का समाधान करना, ये मेरा अंतिम लक्ष्य है। लोग आपको मैम सफल महिला समझती हैं, लेकिन आप खुद को कितना सफल मानती हैं? देखिए, सफलता को कोई पैमाना नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आज हम फर्स्ट डिवीजन से पास कर गए तो हम सफल हो गए, मैं पार्षद निर्वाचित हो गई तो मैं सफल हो गई, इसका कोई पैमाना नहीं है। और मुझे लगता है कि सफलता की भूख अपने अंदर हमेशा जागृत होनी चाहिए, और जब तक आपको ये भूख हमेशा मन में रहेगी कि मुझे सफल होना है, तो उसके लिए आप और मेहनत करेंगे। और मैं नहीं, आज के दौर में वर्तमान स्थिति में मुझे खुशी है कि लोग मुझे मानते हैं कि मैं सफल हूँ, लेकिन अभी भी बहुत मीलों और मीलों दूर मुझे चलना है, यही मैं कहूँगी। बिल्कुल सही बात है कि सफलता का जो है शॉर्टकट नहीं होता है,
और बात यह भी सही है कि हर प्रयास में सफलता नहीं मिलता है, लेकिन बात यह भी सही है कि बिना प्रयास का सफलता नहीं मिलता है। मैम एक छोटा सा सवाल होगा आपसे, एक महिला जब घर में किसी कारणवश आत्महत्या करती हैं, सुसाइड करती हैं, लाखों सवाल सामने आ जाते हैं परिवार पर, ससुराल वालों पर, दहेज पर तर्जना से लेकर बहुत सारे ऐसे केस डाल दिया जाता है, लेकिन जब एक पुरुष सुसाइड करता है अपने घर में, उतना सवाल खड़ा नहीं होता जितना महिला के सुसाइड करने पे होता है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये अंतर जो है साफ तौर पर देखने के लिए मिलती है। देखिए दरअसल है क्या कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें महिलाओं को कमजोर समझा जाता है। तो अब अगर तुलना करेंगे महिला और पुरुष प्रताड़ना के केस के संबंध में, तो कहीं ना कहीं ऐसा शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से ज़्यादा हम पुरुषों को सबल मानते हैं, हमारा समाज मानता है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन लोग मानता है। तो ज़्यादा लोगों को विश्वास इस बात पर होता है कि महिलाएं जब ऐसा कुछ कहती हैं तो लोगों को ज़्यादा विश्वास होता है कि उनके साथ ऐसा हुआ होगा। लेकिन वहीं पर अगर कोई पुरुष ऐसा कहे कि महिलाएं उनको प्रताड़ित करती हैं या वो कहीं प्रताड़ना के शिकार हुए हैं या उनको सिंपैथी मिलनी चाहिए, तो ये जल्दी लोगों को ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि हमारा जो मतलब पारिवारिक या सामाजिक जो ढांचा है, हमारी जो व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं पुरुषों को डोमिनेटिंग माना जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, महिला ठीक है, वो आगे बढ़ रही हैं, सामाजिक रूप से आगे बढ़ रही, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ रही, लेकिन अभी भी मैं देखती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कई पदों पर भी महिलाएं पहुँच जाती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से रिमोट कंट्रोल जो है उनके पति या उनके भाई या उनके पिता के पास रहती है। तो ये कहीं ना कहीं इस वजह से लोगों को लगता है कि दोनों के साथ अगर सेम सिचुएशन हो तो ज़्यादा फेवर लोग महिलाओं का करते हैं, और ये मुझे लगता है मानसिकता के कारण ऐसा होता है। मैम एक आखिरी सवाल होगा और छोटा सा सवाल होगा, आप भाजपा नेत्री हैं, महिला हैं, खासकर राजनीति पार्टी से जुड़ी हैं, तो मेरा सवाल इसलिए आपसे होगा कि महिलाओं को राजनीति में क्यों आना चाहिए? देखिए जब आप अच्छाई की अपेक्षा करते हो समाज से, जब आप सोचते हो कि कुछ बदलाव होना चाहिए, तो उस बदलाव लाने के लिए आपको खुद उस सिस्टम में आना पड़ेगा। और जब हम महिला अधिकार की बात करते हैं, महिला के अस्मिता और सम्मान की रक्षा की बात करते हैं, तो जब तक आप खुद उस सिस्टम में नहीं जाएंगे जहां से महिला के सम्मान और उनके पुनरुत्थान की बात आप नियम के द्वारा आप उसको बाध्य कर सकें लोगों को, तब तक आपकी सिर्फ बातें सिर्फ हवा में उड़ जाएंगी। तो राजनीति में आने का मुझे लगता है सबसे ठोस कारण यह होना चाहिए महिलाओं का, कि आज भी महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मानसिकता लोगों की ये है कि महिलाओं को पीछे ही समझते हैं। और मैं तो बहुत बार ऐसा देखती हूँ कि समाज में जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं किसी क्षेत्र में, और उस क्षेत्र में अगर पुरुष अगर हैं और उन्हें अगर डर लगने लगता है महिलाओं से कि ये हमसे आगे ना निकल जाए, तो एक बड़ा सा मामूली सा जो जिसको वो अपना लगता है जन्मसिद्ध अधिकार समझते हो, कोई भी, मैं अधिकांश पुरुषों की बात नहीं करती हूँ, लेकिन ये मैं देखती हूँ सार्वजनिक जीवन में कि कुछ नहीं तो चलो महिला के चरित्र पर कुछ जरा सा टीका टिप्पणी कर दो, फिर वो डाउन हो जाएगी। तो ऐसा करने से महिलाएं पीछे नहीं हटने वाली। पहले देखिए महिला को खुद सशक्त होने की आवश्यकता है, वो खुद अगर ईमानदारी से काम कर रही हैं और उनको अगर अपने आप पर अगर भरोसा है, तो किसी के दूसरे के टीका टिप्पणी करने से वो पीछे नहीं हट सकती। और राजनीतिक रूप से महिला सबल अगर होंगी तभी तो महिला अधिकार की बात करेंगी। आज आप नगर निगम में देख लीजिए, 2007 से मैं लगातार हूँ, तीसरे टर्म में हूँ, और पहले महिला सीट 50% रिजर्व था, तो 50% महिलाएं जीत कर आई। लेकिन इस बार की मैं बात कर रही हूँ कि इस बार आरक्षित महिला सीट के अलावे भी महिला जीत कर आई हैं, जिसमें मैं खुद हूँ, मैं भी सामान्य सीट से जीत कर आई हूँ। तो अब ये कब संभव हुआ? जब हम लोगों ने राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित की। पहले हमको हो सकता है कि हम लोगों को किसी के सहयोग से हम लोग आगे बढ़े, हमारे परिवार के पुरुष सदस्यों का योगदान रहा, लेकिन जब हम खुद को साबित किए तो लोगों ने भी हमें महत्व दिया और लोगों ने भी हमें आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो राजनीति में जब महिलाएं आएंगी, तो आज अगर घरेलू हिंसा की बात करें, बलात्कार जैसी घटना की बात करें, तो फिर उसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? अगर महिला महिला का दर्द नहीं समझेंगी,
तो फिर हम पुरुषों से भी कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। इसलिए हमें लगता है कि महिलाओं को और सिस्टम में लोगों को अपेक्षा होती कि ऐसा अच्छा होना चाहिए, ये और बेहतर होना चाहिए, तो कैसे होगा? सिर्फ बोलने से तो संभव है नहीं। अगर हम उस सिस्टम में आएंगे, इंटर करेंगे, और तब हम वहाँ से बदलाव लाने की शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए। और हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारी महिलाओं को ये लगता है कि हम किसी भी क्षेत्र में हम आए हैं तो हम एक बार में सफल अगर नहीं हो पाए या वो असफल हो गए तो वो निराश हो जाती है। उन्हें लगता है कि हम फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, या बहुत सारी बाधाएं हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं आपके सभी श्रोताओं से यह कहना चाहूँगी, मैं मुझे सुनने वाले सभी लोगों से, खासकर मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी, हरिवंश राय बच्चन जी की कविता की पंक्ति के कुछ पंक्तियों के माध्यम से, कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती 100 बार दीवारों से फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, और हर बार उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई ढूंढो और सुधार करो, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक छोटा सा सवाल होगा मैम, आखिरी सवाल होगा, और कम शब्दों में हम आपका आपसे जवाब चाहेंगे कि क्या एक दिन महिला की सम्मान की बात करने से, नारी सशक्तिकरण का नारा मजबूत करने से, सिर्फ एक दिन ऐसा करने से क्या महिलाओं को सम्मान दिया जा सकता है या दिलाया जा सकता है? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि सिर्फ एक दिन महिलाओं का होना चाहिए। हाँ ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आज हम इस दिवस को मनाते हैं, तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हमारा यह होना चाहिए कि आज के दिन जो हमारे समाज में जिन महिलाओं का योगदान रहा, हमारे देश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिन महिलाओं ने समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया, उनके बारे में, उनके विचारों को हम महिलाओं के बीच तक बताएं ताकि वो प्रेरित हो सकें। लेकिन सिर्फ आज के दिन हम सशक्त होने की दिशा में प्रयास करें, ये नाकाफी होगा। हमें आगे बढ़ने के लिए, हमारे लिए हर दिन हर पल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एक एक पल का सदुपयोग करें और नारीत्व का सम्मान बढ़ाने के लिए स्वयं आगे बढ़ें, यही मैं लोगों से कहना चाहूँगा। बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छा जवाब रहा, और मैं भी चाहूँगा कि आप भी एक दिन नहीं, प्रत्येक दिन नारी की सम्मान होनी चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप महिलाओं का सम्मान करें। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है और कैमरा के पीछे सुमित राज मौजूद हैं। आप हमें सिल्क टीवी पर देख रहे हैं। डॉक्टर प्रीति शेखर से आपका भी अगर कोई सवाल हो तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताइए। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।